धर्म नूं लैके कट्टरता किन्नी कु जायज हुंदी है कि अपने धर्म प्रति कट्टरता ठीक है या इस हद तक ठीक है कि अपने धर्म नूं चंगा कहना दूजियां नूं माड़ा कहना। लेकिन जिस तरह से देश के अंदर जो माहौल है, कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो इस्लामिक को फॉलो करते हैं, वो लोग ऐसे लोग हैं जो देश को जो है तो ये कहते हैं कि देश को हम नहीं रहने देंगे, देश को हम बर्बाद कर देंगे। उनको ये नहीं पता कि पंजाब जो है गुरुओं की धरती है, जिन गुरुओं ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने सनातन को बचाने के लिए अपने बच्चों के उभार दिए, अपने आप को कुर्बान कर दिया। जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की बात करते हैं, किसी भी कीमत में श्री हिंदू तख्त देश की एकता और अखंडता को नहीं टूटने देगा, क्योंकि जब गुरुओं ने अपना बलिदान दे दिया, अपने बच्चों का बलिदान दे दिया सनातन को बचाने के लिए, तो सनातन में कुछ तो था, तभी गुरुओं ने अपने बलिदान दिया। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र की बात हम लोग करते हैं, लोग हमेशा हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि पहले हिंदू ही सब थे, हमारे देश के अंदर जितने लोग थे सब हिंदू थे। सरसों का तेल लगाकर बाजू को तिल में डाल दिया जाए, अगर उस तिल के बराबर भी जितने तिल लगे उतने बात भी कोई मुसलमान जो है बोले कि सच है, तब भी उसका सच ना बोलना, क्योंकि ये गद्दार कौम है, ये कभी भी आपका साथ नहीं देती। में पूरी तरह से हिंदुवाद चल रहा है, देश में चल रहा है, तो भगवा भी कहा जाता है इस पार्टी को, भगवा पार्टी भी। ये जिस तरह से कठोर होकर, कट्टर होकर सनातन की बात करते हैं, देश को हिंदुस्तान बनाने की बात करते हैं, ये भारत नहीं रहेगा। चाहे कोई अपहरण करता है, और जितने लोग जो थे, जो लोग अपने पीठ थपथपा के प्रशासन के साथ तालमेल मिलाकर हिंदुओं को प्रताड़ित करते थे, आज उनका हाल देखिए कि यूपी के अंदर क्या हो रहा है। किसी भी की सरकार हो, चाहे पंजाब के अंदर आपकी सरकार है, आपको सरकार को भी कड़े निर्णय लेने होंगे। जिस तरह से यूपी सरकार ले रही है, अगर देश के अंदर राज करना है और सरकार चलानी है, लगातार कुछ कट्टरपंथी लोग और कुछ इस्लामिक लोग और कुछ क्रिश्चियन लोग उनको धर्म परिवर्तन कराते हैं और उनको प्रताड़ित करते हैं। कई ऐसे मुस्लिम भी हुए हैं जिन्होंने गुरुओं पीरों का उनकी मुश्किल की घड़ी में साथ दिया, तो आप सीधा सारी कौम को गद्दार, सारे धर्म को गद्दार कैसे कह सकते हैं? हमेशा जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज जी के दिशा निर्देशों में काम करता था, गुरुओं के रास्ते में चलेगा, गुरुओं के बताए हुए रास्ते में चलेगा। इस्लामिक कट्टरपंथी लोग अगर पंजाब के अंदर इस्लाम को थोपने की कोशिश करेंगे, हिंदू तख्त कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟੜਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਟੜਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸ਼ੋਕ ਤਿਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਕੇ ਲੀਏ, ਸਮਾਜ ਕੇ ਲੀਏ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੋਣਾ ਕਿਤਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? देखिए, ऐसा है कि सबको अपने धर्म के लिए जो है तो कार्य करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से देश के अंदर जो माहौल है, कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो इस्लामिक को फॉलो करते हैं, वो लोग ऐसे लोग हैं जो देश को जो है तो ये कहते हैं कि देश को हम नहीं रहने देंगे, देश को हम बर्बाद कर देंगे। उनको ये नहीं पता कि पंजाब जो है गुरुओं की धरती है, जिन गुरुओं ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने सनातन को बचाने के लिए अपने बच्चों के उभार दिए, अपने आप को कुर्बान कर दिया। लेकिन वही लोग, कुछ लोग हमारे समाज के अंदर ऐसे लोग हैं जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की बात करते हैं, किसी भी कीमत में श्री हिंदू तख्त देश की एकता और अखंडता को नहीं टूटने देगा, क्योंकि जब गुरुओं ने अपना बलिदान दे दिया, अपने बच्चों का बलिदान दे दिया सनातन को बचाने के लिए, तो सनातन में कुछ तो था, तभी गुरुओं ने अपने बलिदान दिया। लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए और अपने आप को सर्वोपरि कहने के लिए हमेशा ये कहते हैं कि हम राष्ट्र को नहीं रहने देंगे। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र की बात हम लोग करते हैं, लोग हमेशा हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि पहले हिंदू ही सब थे, हमारे देश के अंदर जितने लोग थे सब हिंदू थे। और गुरु ने ये भी कहा था कि अगर सरसों का तेल लगाकर बाजू को तिल में डाल दिया जाए, अगर उस तिल के बराबर भी जितने तिल लगे उतने बात भी कोई मुसलमान जो है
बोले कि सच है तब भी उसका सच ना बोलना, क्योंकि ये गद्दार कौम है, ये कभी भी आपका साथ नहीं देती। तो हम गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सभी को एक साथ रखेंगे और एक साथ रहेंगे। आप बड़ा जोर दे के बात कर रहे हैं, हालांकि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है भारतीय जनता पार्टी भी, उसकी लेबलिंग हो रखी है, यूपी में पूरी तरह से हिंदूवाद चल रहा है, देश में चल रहा है, तो भगवा भी कहा जाता है इस पार्टी को, भगवा पार्टी भी। ये जिस तरह से कठोर होकर कट्टर होकर सनातन की बात करते हैं, देश को हिंदुस्तान बनाने की बात करते हैं, ये भारत नहीं रहेगा, इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हो? भारत ही है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। किसी जिस तरह योगी जी कर रहे हैं, योगी जी का बहुत अच्छा कार्य है। जैसे कोई भी बंदा चाहे कोई लव जिहाद करता है, चाहे कोई अपहरण करता है, और जितने लोग जो थे, जो लोग अपने पीठ थपथपा के प्रशासन के साथ तालमेल मिलाकर हिंदुओं को प्रताड़ित करते थे, आज उनका हाल देखिए कि यूपी के अंदर क्या हो रहा। मेरी तो ये मांग है केंद्र सरकार से कि हर जगह किसी भी की सरकार हो, चाहे पंजाब के अंदर आपकी सरकार है, आपको सरकार को भी कड़े निर्णय लेने होंगे। जिस तरह से यूपी सरकार ले रही है, अगर देश के अंदर राज करना है और सरकार चलानी है, क्योंकि अब जो है पंजाब के अंदर लव जिहाद का केस बहुत फैल रहा है, जो हमारे दबे कुचले लोग हैं उनको बहला फुसलाकर लगातार कुछ कट्टरपंथी लोग और कुछ इस्लामिक लोग और कुछ क्रिश्चियन लोग उनको धर्म परिवर्तन कराते हैं और उनको प्रताड़ित करते हैं। कई ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जहां हिंदू लड़कियां अपनी स्वेच्छा से पाकिस्तान गई हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लड़कों से शादी की है, ऐसे मामले में आप क्या कहेंगे? हम कहते हैं कि थोड़े दिन देखिए, पहले भी एक दो लड़कियां गई थी, थोड़े दिन पहले एक बयान आया था कि मैं पाकिस्तान चली गई थी, सोशल मीडिया के अंदर देखा मैंने, बड़ा कुछ अच्छा लगा। उसके बाद सुषमा स्वराज जी जब विदेश मंत्री थी तब वो उस लड़की को लेकर आई थी, 3 दिन पहले उसकी इंटरव्यू चल रही थी। जो लड़की अभी गई है थोड़े दिन पहले यूपी की, मंजू, 10 दिन 15 दिन बाद हाल देखिए, वो यही देश के अंदर गुहार लगाएगी कि मुझे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर आने दीजिए और मेरी मदद कीजिए, क्योंकि इस्लामिक लोग जो हैं इस्लाम को हमेशा आगे बढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि दबे कुचले लोगों को कुचला जाता है, जबकि हमारे देश के अंदर संविधान सभी को बोलने की आज़ादी देता है, सभी को अधिकार देता है और सभी के लिए लड़ाई लड़ता है। आप बड़े सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि मुसलमान गद्दार कौम है, आप गुरुओं पीरों की जो है उदाहरण भी इसमें दे रहे हैं कि गुरुओं पीरों ने सनातन को बचाया, कई ऐसे मुस्लिम भी हुए हैं जिन्होंने गुरुओं पीरों का उनकी मुश्किल की घड़ी में साथ दिया, तो आप सीधा सारी कौम को गद्दार, सारे धर्म को गद्दार कैसे कह सकते हैं? हम सारी कौम को नहीं कह रहे, लेकिन जो गद्दार है, जो सोशल मीडिया के अंदर लगातार ये कहते हैं कि हम पंजाब को बर्बाद कर देंगे, देश को बर्बाद कर देंगे, उन मुसलमानों के लिए मैं खुली चुनौती देता हूं, अगर उनमें दम है तो कहीं भी आकर टाइम बांध ले। श्री हिंदू तख्त हमेशा जगतगुरु पंचानंद गिरी महाराज जी के दिशा निर्देशों में काम करता था, गुरुओं के रास्ते में चलेगा, गुरुओं के बताए हुए रास्ते में चलेगा। इस्लामिक कट्टरपंथी लोग अगर पंजाब के अंदर इस्लाम को थोपने की कोशिश करेंगे, हिंदू तख्त कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कहा जाता है जो कहने वाले करते हैं, जो कट्टर हैं, वो कहते हैं हिंदुओं का हिंदुस्तान, मुसलमानों का पाकिस्तान, सिखों का खालिस्तान, इसमें फिर गलत क्या है? देखिए, खालिस्तान अगर वो मांगते हैं तो जहाँ खाली जगह वहाँ बना ले, हम तो कहते ही नहीं है। यहाँ खालिस का मतलब शुद्ध है, प्योर, कहीं प्योर नहीं है। किसको रखेंगे वो बताएं ना, किसको रखें? हिंदुस्तान में तो सभी लोग हैं, सर्वधर्म है, सर्वधर्म है उसमें, तो सर्वधर्म पंजाब में रह रहे हैं। ये तो कभी नहीं कहा कि सर्वधर्म के लोग पंजाब में रह रहे हैं, पंजाब के लोग तो मांगते ही नहीं है। कुछ लोगों ने मांगा था थोड़े दिन पहले खालिस्तान, आज देखिए कहाँ है वो डिब्रूगढ़ चले गए, डिब्रूगढ़ चले गए, पंजाब का माहौल खराब करने लगे थे वो लोग, और कैसे गए डिब्रूगढ़ आप लोग देख सकते हैं। जब उन्होंने पंजाब का माहौल खराब करना चाहा, सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हुए, सेंटर गवर्नमेंट में भी आरोप लगाए, लेकिन भगवंत मान सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए, क्योंकि वो सरकार ने काम किए, एक खून का तिनका नहीं गिरा पंजाब के अंदर, और उन लोगों को जो पंजाब का माहौल खराब करना चाहते थे उनको डिब्रूगढ़ भेज दिया। ऐसी सरकार का हम धन्यवाद करते हैं और सेंटर सरकार को भी कहते हैं कि जब कोई कट्टरपंथी, जब कोई जिहादी पंजाब के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर पनपके की कोशिश की, एनआईए की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि पंजाब सरकार ने लगातार कहा था कि वो एनआरआई है, आप एनआईए से मांग की थी कि आप इसको जांच करिए, कहीं ना कहीं एनआईए फेल रही, सेंटर गवर्नमेंट फेल रही, पंजाब सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए, पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छे कार्य किए कि पंजाब के धरती के अंदर एक खून का तिनका नहीं गिरा और पंजाब का माहौल शांतमय रहा। अशोक तिवारी जिहड़े कौमी बुलारे ने श्री हिंदू तख्त ते गलबात चल रही सी, कहिंदे वी जिहड़े लोग गल्लां करदे ने कि हिंदुआं दा हिंदुस्तान, मुसलमानां दा पाकिस्तान ते पंजाबियां दा सिखां दा खालिस्तान, कितना ना कितें इह वखरेवें करन वाली गल है। साडा देश है जिहड़ा अनेकता च अनेकता दा सुनेहा दिंदा, पंजाब भी इही कुछ करदा है, ते जिहड़े कदी कदी देश दे विच अजिहियां अतवादी ताकतां नूं, अतवादी कोशां नूं हुलारा देणगे, उहनां दा हमेशा
विरोध किया जाया करेगा। विजय शोक के नाल बलजीत मरवाहा, चंडीगढ़।